हाँ तो फ्रेंड, जब भी मुझे मोबाइल पर कुछ बताना होता है तो ऐसे स्क्रीन पर आ जाता है। अरे यार, इनवाइट दिया हूँ, अब लेने जाऊँ क्या? आजा यार। हाँ तो किच इस टाइप का आ जाता है, और जो भी मैं इस मोबाइल पर करूंगा, जो भी चीज क्लिक करूंगा, वो इस मोबाइल पर भी होगा। सो ऐसे ही जब समझाने के लिए वीडियो की स्क्रीन पर मोबाइल आ जाता है तो वीडियो की एनर्जी बढ़ जाता है और व्यूअर्स को अच्छे से समझ में भी आता है। तो ऐसे ही अपने वीडियो की स्क्रीन पर मोबाइल को लाने के लिए ये तीनों स्टेप को फॉलो करना होगा। तो ये तीनों स्टेप है क्या, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है प्रदीप, प्रेस्टर मंडी मित्र, जाकर फॉलो करना मत भूलिएगा। आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो तो चलिए टॉपिक के और आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे अपने आप को मोबाइल स्क्रीन पर लाने के लिए कैमरा एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही मोबाइल के स्क्रीन को लाने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करना होगा। वैसे मैं यूज करता हूँ एक्स रिकॉर्डर, लेकिन एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर भी अच्छा है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। हाँ, एक्स रिकॉर्डर या एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड करने के बाद कुछ सेटिंग्स कर लेना, जिससे आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग HD में रिकॉर्ड होगा। हाँ तो क्या क्या सेटिंग करना होगा स्क्रीन पर देख सकते हो। सिंपल सा एक्स रिकॉर्डर को ऑन करना है और यहाँ पर आप लोगों को चेक करके यहाँ पे अलाउ कर देना है, फिर यहाँ पे आप लोगों को इनेबल कर देना है और बैक कर देना है, फिर आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और ओके, और फिर अलाउ पर क्लिक कर देना है। फिलहाल यहाँ पर ज्यादा कुछ सेटिंग करना नहीं है, सिंपल सा देख सकते हैं यहाँ पे नीचे पर आप लोगों को सेटिंग ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहला जो सेटिंग करना है वो है आपका रिकॉर्ड ऑडियो, इस पर क्लिक कर लेना है और आप लोगों को इंटरनल एंड माइक्रोफोन पर सिलेक्ट कर लेना है, जो कि चौथे नंबर पर आप लोगों को मिल रहा है। फिर आप लोगों को अलाउ कर देना है, ताकि जब भी आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर बोया माइक या कुछ भी एक्सटर्नल माइक को यूज करते हो तो लगाने के बाद सपोर्ट होना चाहिए, वरना देख रहे हो कुछ बोल रहे हैं और सपोर्ट ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सेटिंग है रेजुलेशन, आप लोगों को सिंपल सा तीसरे नंबर पर रेजुलेशन मिल जाएगा, क्लिक कर लेना है। अगर आपके मोबाइल पर 1080 सिलेक्ट है तो आप लोगों को यहाँ पर 1080 सिलेक्ट रहने देना है, नहीं सिलेक्ट है तो आप लोग 1080 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तीसरा सेटिंग है FPS, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को नजर आ रहा होगा, FPS पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को 30 FPS पर सिलेक्ट कर लेना है, ये आपका फ्रेम रेट। तो नेक्स्ट सेटिंग है थोड़ा सा सिलेक्ट करना है, और नीचे पर आप लोगों को मिल जाता है टूल्स का ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हो, और टूल्स में मिल जाता है आपको ब्रश का ऑप्शन, यहाँ पर ब्रश पर क्लिक कर देना है तो देख सकते हैं साइड पर हम लोगों का एक ब्रश ऑप्शन आ गया है। और स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए साइड में पॉपअप हो रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में मिल जाता है रिकॉर्ड का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है और स्टार्ट नाउ कर देना है। लेकिन उससे पहले आप लोग एक अलाउ मांगेगा, वो अलाउ दे देना है और स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगर ये पॉपअप ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सिंपल सा आप लोग अपना शटर को ऊपर से नीचे करना है, और देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट नाउ कर देना है, और यहाँ से भी आपका रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐप के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2। हाँ, स्टेप नंबर 1 जब कंप्लीट होता है तो आप लोगों को कैसे शूट करना है ये भी तो पता होना चाहिए। आप अगर सिर्फ वॉइस ओवर वीडियो बनाते हो फिर भी ये स्टेप देख लो, क्योंकि कभी काम आ जाएगा। तो जब आप अपने फेसकैम वीडियो शूट कर रहे हो तो आपका जो ये मोबाइल है वो चलना भी चाहिए, और जो आपके हाथ में होगा वो दूसरा मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्रीन अभी रिकॉर्ड ही हो रहा है। और यहाँ पर मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को भी चालू करूंगा, और सेम चीज जो भी चीज करूंगा वो सेम चीज यहाँ पर भी करूंगा, और ये स्क्रीन पर भी होगा, दोनों चीज एक साथ होगा। उसके बाद आप लोगों को 3 स्टेप पर दोनों को मर्ज कर देना है, जिससे कि लगे कि ये मोबाइल इस जगह पर आ गया है। स्टेप नंबर 3। हाँ तो हम लोगों का वीडियो अलग रिकॉर्ड हुआ है और स्क्रीन अलग रिकॉर्ड हुआ है, अब दोनों को एक साथ करने के लिए एडिटिंग करना होगा। तो चलो काइनमास्टर को यूज करते हैं। तो काइनमास्टर को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक कर लेना है, और 16:9 आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो अपना कैमरे वाला प्रोजेक्ट रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे लेयर पर क्लिक कर लेना है, मीडिया पर क्लिक करना है, और अब आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर ले आना है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्ड आ जाता है। यहाँ पे ऐसे इसको क्लिक करके साइड पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है, और फिर से आप लोगों को लेयर पर क्लिक कर लेना है, मीडिया पर क्लिक करना है, और अब आपको एक फोन का इमेज यहाँ से ले आना है, डाउनलोड कर लेना है आपको अपना जो फोन है। जैसे कि मेरा यहाँ पे सैमसंग F62 मोबाइल है, तो मैं अपना सैमसंग F62 का PNG यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको ऐड कर लिया हूँ। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपका, जैसे जैसे यहाँ पे है वैसे वैसे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है, लेकिन ऊपर नीचे बाहर हो जा रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्रॉपिंग पर क्लिक करूंगा, और जितना मेरा कट हो रहा है उतना हम लोग यहाँ पे क्रॉप कर देना है, और यहाँ पे यस कर देना है। तो देख सकते हैं जितना भी बाहर का था वो कट हो गया है, और जो आपका फोन पिंज रहेगा उसको क्लिक करने के बाद जितना आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहेगा उतना आप लोगों को खींच देना है, फिर आप लोग कट कर देना है, और उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है। सो आशा करता हूँ कि ये तीनों स्टेप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन है इंस्टाग्राम आईडी मिल रहा है, जाके मैसेज जरूर कीजिएगा। वैसे चैनल में नया है और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल कैमरे के सामने अच्छे से कैसे बोले वीडियो देखना हो तो ऊपर वाले वीडियो क्लिक करो, वरना घर पर सेटअप कैसे बनाए वीडियो देखना हो तो नीचे वाला वीडियो क्लिक करो। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।